इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सोलर पैनल से डायरेक्टली नॉन इंडक्टिव लोड्स चला सकते हैं, यानी कि हीटर्स, गीजर्स और बल्ब्स वगैरह जो कि इंडक्टिव लोड्स नहीं है वो हम डायरेक्टली सोलर पैनल से चला सकते हैं। अभी हमारे पास 100 वोल्ट की सप्लाई आ रही है सोलर पैनल से, तो ये 100 वोल्ट की सप्लाई हम पहले टेस्ट करेंगे कि हैं भी डीसी भी हैं कि नहीं है, कि ये हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं जो कि दो रूफ्स पर हैं, जो हमने दूसरी वीडियोस में दिखाया हुआ है, उन वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो अभी देखते हैं कि वोल्टेज क्या आ रही है हमारी। हमारी जो वोल्टेज आ रही है 96 वोल्ट डीसी, जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 96 वोल्ट डीसी है, कोई ग्रिड में इसमें नहीं है, ये सीधे सोलर पैनल से आ रहे हैं जो हमारा अपग्रेड सिस्टम है। कुछ नीचे वाले पैनल से आ रही हैं, कुछ ऊपर वाले पैनल से आ रहे हैं। ऊपर वाला एक पैनल है हमारा, नीचे जो है नीचे बहुत सारे पैनल्स हैं जो कि हमने दूसरी वीडियो में दिखाए हुए हैं। तो हमारा जो है ये पहले हम टेस्ट करेंगे बल्ब जो है, जो रेजिस्टिव लोड है इसको हम चला के देखेंगे डायरेक्टली। इसको हमने प्लग इन किया इसमें 100 वोल्ट्स में, तो ये चलना शुरू हो गया। अब इसका ग्लो कम है क्योंकि 100 ही वोल्ट्स हैं, ये 200 वोल्ट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है, तो अब ये 50 वाट ही ले रहा होगा, जैसा कि हम देख लेंगे एम्पेरेज से, डीसी एम्पेरेज से कितने ले रहा है। ये ले रहा है, एक सेकंड ये दिखा रहे हैं हम, ये 0.18 एम्प्स ले रहा है, यानी कि 20 या 30 वाट की पावर ये ले रहा है, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम है इसलिए ये कम पावर ले रहा है। तो ये डायरेक्टली हम सोलर पैनल से चला सकते हैं। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है दिन में, क्योंकि दिन में तो लाइट चाहिए नहीं, जो विंटर में हमें इस चीज़ का यूज़ होगा हीटर चलाने में, जो कि हम वाटर को बॉयल करने के लिए मदद कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा हीटर है, ये एसी हीटर है जो कि 220 वोल्ट पे चलता है, 2000 वाट का हीटर है। इसको अगर हम इस पर डालेंगे तो ये इस पर भी चल जाएगा, लेकिन हीट थोड़ा कम देगा, लेकिन वाटर जो है, वाटर का टेम्परेचर, वाटर गर्म करने का जो काम है वो फिर भी देगा। इसको हम प्लग इन करते हैं, ये थोड़ा सा करंट ज़्यादा लेगा इसलिए ये गर्म होगी, तो कनेक्शन जो है लूज़ नहीं होना चाहिए। इसको हमने डाल दिया यहाँ पर एक कनेक्शन, जो डीसी हाई वोल्टेज है वो करंट नहीं देती है उतनी जितनी एसी देती है, जब डीसी बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है तब वो करंट देती है। अगर 100 वोल्ट एसी को ऐसे छूएंगे तो शॉक लग सकता है, लेकिन डीसी में शॉक नहीं लग सकता। ये देखा आपने कि इसमें ये स्पार्किंग हो रही है। अब हमने इसको अंदर डाला हुआ है तो ये शुरू हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है? एक तो थोड़ा सा ये गर्म होने लगा शुरू, तो पहले हम देखेंगे एम्पेयर कितने खा रहा है। ये खा रहा है 2 एम्पेयर, यानी कि 210 वाट का पावर ये खा रहा है। 800 वाट का पावर हमारे पास अवेलेबल है लेकिन ये 210 ही खा रहा है। चलो जो भी सही, क्योंकि वोल्टेज कम है, अगर वोल्टेज ज़्यादा होती तो ये बहुत ज़्यादा पावर लेता, अगर 200 वोल्ट का डीसी होता तो ये पूरा चल जाता। अभी हम कैसे दिखाएंगे कि ये चल रहा है? इस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करेंगे, अब हम इसका टेम्परेचर वाटर का बढ़ाएंगे इससे। ये टेम्परेचर के लिए हमने टेम्परेचर कंट्रोलर यूज़ किया है जो कि इसमें डालेंगे वाटर में, आईसी वाटर में, जो कि हमने दूसरे टेस्ट में यूज़ किया था। तो अब ये टेम्परेचर दिखा रहा है, आईसी वाटर जो है टेम्परेचर दिखा रहा है 3, 9, 8, 7, 6, तो ये मतलब दिखाएगा टेम्परेचर 0 के करीब ये टेम्परेचर दिखाएगा। अब हम इसको बॉयल करेंगे इससे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये इसको इधर करते हैं, ये थोड़ा सा गर्म हो गया, अब ये उठाना मुश्किल है, इससे उठाएंगे। इसको इसमें डालेंगे, जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया, 12 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। देखते हैं
कब तक ये इसको जल्दी करेगा गर्म। ओ बहुत गर्म है। तो अभी हमारे कितने एम्पियर जा रहे हैं, 2 एम्पियर अभी भी जा रहे हैं। तो हमारा टेम्परेचर आ गया है 18 डिग्री सेल्सियस पे, उस पर मत जाओ, वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर वाटर का है 20 पे आ गया, देखते हैं ये आइस कितनी जल्दी मेल्ट होगी। ये थोड़ा सा लंबा टेस्ट होने वाला है। अभी हम इसको कोशिश करेंगे ऐसे ऊपर थोड़ा सा रखने की, नीचे जाएगा तो ज़्यादा इसमें हीट कंज्यूम होगी, वरना हीट लो वेस्ट हो रही है। चलो इसको हीट कर रहा है, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम। पंद्रह डिग्री सेल्सियस पे आ गया क्योंकि आइस अभी भी है। ये टेस्ट हम चलता रहेगा लाइव, क्योंकि ये डेमोंस्ट्रेशन है। जब तक नहीं ये इसका टेम्परेचर बढ़ाए तब तक हम ऐसे ही रखेंगे इसको। इसमें टाइम बहुत लगेगा लेकिन ये काम करता है। थोड़ा सा साउंड भी आ रहा है इसमें बॉइलिंग का। बबल्स भी आ रहे हैं। ये पूरी हीट यूज़ नहीं हो रही है क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर है। बाईस डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 23 पे। अगर हम 50-60 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएंगे तो वो बहुत सफिशियंट टेम्परेचर है जो कि यूज़ करने के लिए, वाटर को यूज़ करने के लिए, बाथिंग के लिए या किसी और यूज़ के लिए विंटर में, या फिर बॉइलिंग टेम्परेचर तक भी हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये कश्मकश में है क्योंकि अभी आइस है, जब तक आइस नहीं पिघलेगी तब तक टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। चल रहा है हमारा ये हीटर, हमारा टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया क्योंकि जो आइस है थोड़ा सा रिलोकेट हो गई इसमें। जब तक आइस नहीं जाएगी तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा। हमारा टेम्परेचर यहाँ का बहुत बढ़ गया है, देखो यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर देखते हैं कितना है, जो कि ये हमारी कॉइल है। इसका टेम्परेचर देखो, इसका टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसका